हे गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, और ये राजगीर वन्य प्राणी सफारी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज इसके अंदर चलेंगे और सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे, और ये सारा चीज़ है यहाँ से। सामने में रोड है, यही रोड आपको आती है इधर, और यहाँ से देख सकते हैं एंट्री गेट है, वहीं एंट्री गेट है, उसके अंदर चले जाएँगे हम लोग। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, तो यही है राजगीर वन्य जीवन सफारी, और यहाँ से देख सकते कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें हम चलने वाले हैं वन में, और सारा चीज़ देखने वाले हैं। राजगीर सफारी बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से आप लोगों को दिखा दें कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। सब सेल्फी उल्फी लेते हैं, मस्त लगता है यहाँ से। और यहाँ से आप दिखा दिए, यहाँ से आप भी देखिएगा तो आपको नेचुरली दिखेगा। जब इसके हम अंदर जाएंगे, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो सारा चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से भी देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया, कितना सुंदर नेचुरली लग रहा है देखने में। और ये सारा देखने में बहुत ही मस्त, दिल खुश हो जाता है। आप लोगों को दिखने में कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार का दिखता है। और आज का मौसम बहुत ही शानदार है, और जैसे शानदार हो रहा है वैसे घूमने में मज़ा तो आ रहा है, बट रुक रुक के यार पानी हो जा रहा है, बरसात हो जा रहा है। पता नहीं टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, बार बार यही कहा जा रहा है कि अब टिकट कटेगा, अब टिकट कटेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से बैठने उठने वाला भी मस्त है। और ये देखिए राजगीर का वाइल्ड लाइफ, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे नेचुरली की तो मस्त पूछिए नेचुरली। जितना प्रकृति में जाइएगा अंदर उतना अच्छा लगता है। यहाँ से देख सकते हैं पूरा पहाड़ी पहाड़ दिखेगा अंदर। तो हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर इंतज़ार करते हैं, जैसे टिकट कटेगा तो अंदर ही हम लोग अपना वीडियो वीडियो करेंगे शूटिंग, और आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे हमारे इस ब्लॉग में। ठीक है, तो यही एंट्री गेट है, और इसके अंदर आप चलते हैं और सारा चीज़ आप लोग को दिखाएँगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे हमारे इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो भी वीडियो बनेगा हम आज बना के लेके यहाँ से जाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे हमारे इस ब्लॉग में। और देख सकते कितना सारे पब्लिक आ चुका है, भीड़ बहुत ही हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन ही टिकट कटाए क्योंकि वहाँ से सुविधा रहता है, और यहाँ बहुत लाइन लगना पड़ता है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे हमारे इस ब्लॉग में। हेलो, अभी का आप बता दें कि मौसम बहुत ख़राब है जिसके कारण टिकट नहीं मिल पा रहा है, और बारिश वरिश चल रहा है, तो टिकट हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे खुलेगा तो टिकट लेंगे और सारा चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। तो उसी में है ग्लास ब्रिज का, पता नहीं आज देगा कि नहीं देगा, इसीलिए हम लोग सस्पेंस में पड़े हुए हैं। और सबसे एक्चुअली बात है कि टिकट मिल ही नहीं पा रहा है अभी। टिकट बुकिंग के पास है, देखिए लाइन लगा हुआ है पूरा, और टिकट अभी दे ही नहीं रहा है। जैसे टिकट देगा तो हम लोग सारा घूमेंगे, तब तक आप लोगों को सारा चीज़ दिखा देते हैं आस पास में, जितना चीज़ें जो वहाँ पर हम कवर कर सकते हैं वो सारा चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही शानदार, मस्त और फैंटास्टिक होने वाला है। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहे, तो लेट्स गो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये, और ये एंट्री गेट है, इसके अंदर हम आए हुए हैं। और यहाँ से देखते हैं राजगीर में अभी आए हुए हैं नेचर सफारी में, और यहाँ से देखते हैं नेचर सफारी का लिखा हुआ जू सफारी। और यहीं पे सामने में टिकट कटता है, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे टिकट कटता है, उसके बाद टिकट एंट्री फी लेके एंट्री के बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से आप नेचर सफारी कर सकते हैं, और चारों बगल का दिशा आप लोगों को दिखा दें। यहाँ से देखिए और पूरा पहाड़ी पहाड़ी दिखता है यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा भी मलमास मेरा है जिसके कारण देखिए ये शेड बना दिया है ताकि आराम से लोग रह सके, और पानी उनी हो गया है बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं। अभी घूमने के लिए आए हुए हैं, नेचर जैसे क्लियर होगा तो फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं अभी देखिए यहाँ पे पूरा ये बना दिया है, बैठने उठने के लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं पानी पीने के लिए, और यहाँ पर टॉयलेट वॉयलेट के लिए साधन यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं
अभी यहाँ पर जिस तरह से घर बनाया गया है, अभी देख सकते हैं यहाँ पर पानी झरना जैसे गिर रहा है। देखिए किस तरह से पानी ये गिर रहा है, और ये पानी गिर रहा है जैसे एकदम झमाझम बारिश हो रहा है। इधर से देख सकते पूरा नेचुरली चीज़ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को यहाँ से, और यहाँ से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिखता है। यहाँ से देख सकते हैं टू व्हीलर पार्किंग भी यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये घर भी बनाया गया यहाँ पे। तो ये हम पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं चारों बगल से, ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप जब आइएगा तो आप भी इस तरह से घूम पाइएगा चारों बगल से, और बहुत ही शानदार लग रहा है, मस्त। और इधर भी देख सकते हैं ये पहाड़ के वादियों में, और इधर देखिए ये घर है यहाँ पे, ये बिल्डिंग बनाया गया है। तो उधर अभी परमिशन नहीं हम लोग को जाने का, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। और यहाँ से देख सकते हैं अभी पूरा एकदम मस्त लग रहा है देखने में। और इधर भी देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कितना सुंदर और झकास लग रहा है यहाँ से। और इधर भी हम लोग चल रहे हैं, और वहीं लिखा है राजगीर का, तो बाहर से भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। और इधर भी देख सकते हैं पूरा पहाड़ है ये, और इधर से भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप बता दें, यहाँ पे साइड लगा हुआ है, और यहाँ से देख सकते हैं पूरा आपको पहाड़ ही पहाड़ दिख जाएगा। और सबसे अच्छा तो यहाँ नेचुरली है, नेचुरली में जितना आप घूमिएगा देखिएगा उतना आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग को बता दें दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर मोबाइल से कोई काम नहीं होता है, नथिंग, क्योंकि ऊपर कोई आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला है यहाँ पर अभी नेटवर्क, और जिसके कारण पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए तो कैश लेकर ही आए, क्योंकि जो भी आपको वो टिकट कटेगा वो कैश में ही कटेगा, कुछ खाना पीना अंदर तो वो कैश में ही काम होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन था कि जो कि हम इंक्लूड करने वाले थे और आप लोगों को बता दिए हैं सारा चीज़। तो आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग जैसे डालेंगे, अभी घूमेंगे तो वो भी सारा इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ब्लॉग ऐसे लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।